हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेनसार क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स, जिसमें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1, पॉलीनोमियल। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हिंदी मीडियम की वीडियो का, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन इंग्लिश मीडियम की मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा वाला पॉलिनोमियल है और कौन सा वाला नहीं है ये बताना है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन देना है अपने आंसर के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि कोई सा भाई आपको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, इसको चेक करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको दो चीज़ें चेक करनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या चेक करना है कि जो भी वेरिएबल आएगा अपने पास, वेरिएबल तो आप जानते हैं एक्स वाई जेड टी, ये सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पावर है ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकेंड क्या चेक करना है अपने को, जो पावर में जो नंबर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब कि जो अपने पास पावर या एक्सपोनेंट जो आ रही है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। सिर्फ ये दो चीज़ें अपने को चेक करनी है, अगर ये दोनों चीज़ें अप्लाई होती है तो जो गिवन होगा अपने को क्वेश्चन वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर नहीं है तो फिर मना कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एक्स की पावर कितनी आ रही है, 2। यहाँ पर पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 0 है। ठीक है, तो पावर चेक करते हैं, पावर पॉजिटिव है या नहीं है, है। दूसरी चीज़ की पावर होल नंबर है या नहीं है। अब होल नंबर क्या होता है आपको पता है, 0 भी एक होल नंबर है, 0 से लेकर के सारे 0 और सारे नेचुरल नंबर, इसकी को क्या बोलते हैं अपन, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में पावर, मतलब कि पावर में कंप्लीट संख्या होनी चाहिए, 2, 3, 4, विच एवर जो भी है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ लिख देंगे कि पॉलिनोमियल है, और किस में, वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल की क्या है, एक्स है, ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो ये पॉलिनोमियल है किसमें, वन वेरिएबल में, सॉरी वाई। ठीक है, वाई के अंदर ही क्या है, पॉलिनोमियल है। डन, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखो ये सब जो अभी तक अपन ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा था ये पॉलिनोमियल थे किसमें, वन वेरिएबल में। अब थर्ड पार्ट है, इसमें बोला आपको 3√t + t√2। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है इसको तो एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू लिख के। जो √t है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो टी की पावर कितनी है, 1/2 प्लस टी एज दिस √2। तो यहाँ पे जो टी की पावर है ये 1/2 आ चुकी है। ठीक है, प्लस पॉजिटिव तो है बट पावर होल नंबर नहीं है, अपने पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव भी होनी चाहिए और होल नंबर भी होनी चाहिए। यहाँ पर पावर पॉजिटिव तो है बट होल नंबर नहीं है, तो अपन बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न अभी लिखते हैं। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y, तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 है, जो y है y की पावर कितनी है, 1। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो y की पावर कितनी आ जाएगी, -1। अब यहाँ पर पावर नेगेटिव आ चुकी है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसका भी रीज़न अभी लिखते हैं। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, तो ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तीनों पावर पॉजिटिव भी है और होल नंबर भी है बट वन वेरिएबल में नहीं है। आपके क्वेश्चन में बोला था कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन से वाले वन वेरिएबल में हैं और कौन से वाले नहीं है। तो ये वन वेरिएबल में नहीं है क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स, वाई और टी। तो लिख देंगे, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बट अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स एक्स, वाई एंड टी। अब इन दोनों का रीजन लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 3 टी की पावर 1/2 प्लस टी √2, ये अपन ने कन्वर्ट कर लिया था,
इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, एज पावर ऑफ टी, जो टी की पावर है इन रूट टी, रूट टू, रूट टी में है, इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है क्योंकि इसको अपन 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीट नंबर में नहीं है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और फोर्थ पार्ट में क्या लिखेंगे, इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ वाई, जो पावर है वाई की, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बन जाती है इन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में दैट इज मतलब 1/y लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, 2/y है मतलब कि 1/y मल्टीप्लाई में उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -1, पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है इसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि -1 होल नंबर में नहीं आता है, 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, इन्फाइनाइट, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अपने को क्या लिखना है, कोफिशेंट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो कोफिशेंट किसको बोलते हैं, कोफिशेंट का मतलब हिंदी में होता है इसका मतलब गुणांक, गुणांक। अब नाम से पता लग रहा है गुणा प्लस अंक, यानी कि जो गुणा हो क्या रहा है उसको अपने को लिखना है, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। अब किसका लिखना है, एक्स स्क्वायर का लिखना है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है इसका 2 + x² + x, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ढूंढना है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर है, ठीक है, इसके साथ क्या गुणा क्या रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस का 1 गुणा क्या रहा है, तो लिख देंगे इन 2 + x² + x कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, प्लस का 1, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है 2 - x² + x³, तो लिख देंगे इन 2 - x² + x³ कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर है अपने पास, इसका गुणांक कितना है, माइनस का 1, तो -1। थर्ड वन इज π/2 x² + x, किसका कोफिशेंट लिखना है अपने को, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं कहाँ पर है, ये तो नहीं है, ये वाला है, ठीक है ना, तो इसके साथ क्या गुणा हो क्या रहा है, π/2, यानी कि इसका कोफिशियंट कितना हो जाएगा, π/2, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। फोर्थ पार्ट है √2x - 1, अब अपने को कोफिशियंट ढूंढना था एक्स स्क्वायर का, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, तो इसका कोफिशियंट कितना हो जाएगा, 0, या तो इस तरीके से अपन आंसर लिख सकते हैं, या फिर सेकेंड मेथड इसका ये है कि एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, एक्स स्क्वायर इसमें प्रेजेंट नहीं है, हैंस नो कोफिशेंट, तो इसका कोफिशेंट भी नहीं होगा, सिंपल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये बाइनोमियल मोनोमियल क्या होते हैं, मैं आपको सबसे पहले ये सिखा देता हूँ। देखो नाम से पता लग रहा है मोनोमियल और बाइनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, देखो मोनोमियल तो उसको बोलते हैं अगर अपने पास क्वेश्चन में सिर्फ वन टर्म हो, वन टर्म यानी कि एक ही पद का क्वेश्चन हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, जैसे मैंने आपसे कहा 2x, तो उसमें सिर्फ इसमें एक ही टर्म है, ठीक है ना, प्लस माइनस लग के आगे कोई सी भी दूसरी संख्या लिखी हुई नहीं है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल लिखना है तो आपको लिख दिया 2x + 3 या फिर 3x + 5, तो ये या फिर ये, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म्स हो, तीन टर्म्स होगी तो क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, नाम से पता लग रहा है ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होगी, यानी कि आप लिख सकते हैं 5x + 4x² + 4x + 2, ठीक है ना, तो ये तीन टर्म्स हो गई, या फिर दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं 3x² + 5x + 1, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो अपने को एक तो लिखना है बाइनोमियल और एक लिखना है मोनोमियल। अभी डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री अपन इसके बाद वाले क्वेश्चन में सीखेंगे डिग्री किसको बोलते हैं, लेकिन मैं अभी आपको हिंट दे देता हूँ कि मैक्सिमम पावर जो होती है किसी भी वेरिएबल की उसको बोलते हैं उसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर को।
तो अपने को एक तो बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, मतलब उसकी पावर कितनी रखनी है अपने को, 35। तो लिख देंगे एक्स की पावर 35 प्लस 5, 5, ठीक है ना। बाइनोमियल लिखना था इसलिए दो टर्म्स लिखिए, इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और एक लिखना है मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, क्वेश्चन में बोला है आपसे, तो 2y की पावर 100। मोनोमियल बोला था इसीलिए एक ही टर्म लिखी है मैंने, इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। जरूरी नहीं आप एग्जाम में यही दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके पहले इस पे आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2x की पावर कितनी रखनी है, 35 ही रखनी है, ठीक है ना। पावर 35 प्लस 15 लिख दो, इसकी जगह पे आप कोई दूसरा चेंज कर दो, 3t की पावर 100 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट पावर जो उसने बोली थी, डिग्री जो उसने बोली थी, वही लिखनी है अपने को, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स, यानी आपको निम्नलिखित बहुपद की क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। अब डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री किसी भी वेरिएबल की, जो अपने पास वेरिएबल होता है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं अपन, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन याद रख लोगे, मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर को अपन उसकी डिग्री बोलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पे देखते हैं पावर कितनी आ रही है, 3, यहाँ कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 1। तो 1, 2 और 3 में मैक्सिमम कितना है, 3। तो लिख देंगे डिग्री इज 3, क्यों लिख रहे हैं, एज x की पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर, ये इसकी हाईएस्ट पावर थी इसीलिए यहाँ पे अपन ने 3 लिखा है। सेकेंड पार्ट है 4 माइनस y² तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, डिग्री इज 2 एज y² इज द हाईएस्ट पावर, y² इसकी हाईएस्ट पावर है। थर्ड पार्ट है 5t माइनस रूट 7, तो t की पावर कितनी है यहाँ पर, 1 है, और 1 ही हाईएस्ट है क्योंकि इसके अलावा t कहीं पर भी नहीं है। डिग्री हो जाएगी इसकी, डिग्री इज 1 एज t इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट है 3, अब यहाँ पे ना तो t है, ना x है, ना y है, ना z है, मतलब कि वेरिएबल इसके साथ नहीं आ रहा है, तो अपन इसके साथ कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि 3x की पावर 0, ठीक है। तो डिग्री कितनी है इसकी, 0 है, डिग्री इज 0 एज x की पावर 0 इज द हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री 0 लिखिए क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि अपन यहाँ पे x की पावर 0 ही लिखे, यहाँ पर अपन t की पावर y की पावर या z की पावर भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो ये लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या होता है ये सीख लेते हैं पहले। देखो लीनियर उसको बोलेंगे अगर अपने पास पावर कितनी है, 1 पावर है, पावर 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर, ठीक है। पावर अगर अपने पास 2 पावर में कोई क्वेश्चन है तो उसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक, और 3 पावर में अगर अपने पास कोई क्वेश्चन है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x, तो ये कितनी पावर में है, यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सेकेंड है तो यहाँ पर x माइनस x की पावर 3, पावर कितनी है, 3 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबिक में। यहां पर पावर कितनी है, 2, तो ये है क्वाड्रेटिक। 1 प्लस x की पावर 1, 1 पावर है तो फिर ये लीनियर, पावर 1 है, टी की पावर 1, तो ये भी लीनियर। पावर कितनी है, 2,
तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और पावर 3 है, तो ये फिर ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको और पसंद भी आई होगी। अगर दोनों चीज़ें हुई है तो फिर लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो फटाफट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में।